On April 17, the Prime Minister Imran Khan announced a project encompassing the construction of 5 million low-cost homes. Mr. Mian Mehmood-ur-Rasheed is currently serving as the Minister for Housing, Urban Development and Public Health Engineering of Punjab. He has served twice as Mayor of Lahore and as Member of the Punjab Assembly for three terms. Mr. Rashid was also elected as Leader of the Opposition during the tenure of the previous government and has chaired the Public Accounts Committee in Punjab. Mr. Rashid is widely regarded as a grassroots politician and a political pundit. जो माजी के अंदर हुकूमतें रही हैं उन्होंने भी इस तरह के स्लोगन्स भी दिए और बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए अगर आप 70 की दिहाई में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी का मेन नारा रोटी कपड़ा और मकान था और वो तकरीबन मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के अंदर दो तीन दफ़ा उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिला लेकिन लोगों को मकान की फराहमी का मसला जो है ना वो किसी तौर पर भी उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं रहा अब ये रीसेंट पास्ट में जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने आशियाना हाउसिंग स्कीम का बड़ा ढोल पीटा और बड़े बड़े इश्तहारात और मीडिया कैंपेन वो उस पर चली असम्बली के अंदर भी बड़ी बुलंदोबांग बातें हुई लेकिन पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ 2200 यूनिट 2000 और 200 घर वो बना सके जिसमें कुछ लाहौर में हैं 200-300 फैसलाबाद और इसी तरह 200-300 शायद साहिवाल में तो मैं समझता हूँ उन्हें भी सवाए इसको एक पॉलिटिकल नारे के तौर पे इस्तेमाल किया और ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसको बुनियादी अहमियत दी इस इंतहाई अहम नेशनल इशू को इसलिए ये मुख्तलिफ है कि पहले कभी हुकूमतों ने इस तरह इसको प्रायोरिटी नहीं दी प्राइम मिनिस्टर जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मेरा ख्याल है एक डजन से जायद वो मीटिंग्स खुद चेयर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई हैं एक सेंटर के अंदर और फिर सूबों में भी यहाँ भी पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स बनी है जिसमें हाउसिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस नेशनल इशू को एड्रेस करने की कोशिश की और कौम से वादा किया कि वो 50 लाख घर जो हैं वो बनाएंगे अफोर्डेबल हाउसेस वो दीवाने के ख्वाब ही देखा करता है और हमेशा मुश्किल और हाई टारगेट जो है ना वो मुकर्रर करता है तो ये टारगेट मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है जिस तरह मैंने कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व होता है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर दिलचस्पी रह रहे हैं हुकूमत दिलचस्पी रह रही है हम सब लोग काम कर रहे हैं हम ये काम करेंगे तो ये पहला साल मुश्किल है जब ये प्लानिंग के दर मरहले के अंदर है जब इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी फील्ड के अंदर काम शुरू हो जाएगा तो फिर लोग भी इनकरेज होंगे प्राइवेट सेक्टर भी इनकरेज होगा और लोगों को यकीन भी आ जाएगा कि हाँ ये तो घर बनने शुरू हो गए हैं खाली बातें करने से नहीं होता इस वक्त तीन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने प्रैक्टिकली उसका आगाज़ कर दिया घर बनने शुरू हो गए हैं Zameen.com जाए और जाके विज़िट करे रिनाला खुर्द ओकाड़ा के अंदर कि वाकई घर बन रहे हैं तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे उन कवायदों जवाबत को सामने रखते हुए उनके अंदर रह के हमें सारा कुछ करना है ये भी जो काम है ये आज से 4 माह पहले भी शुरू हो सकता था लेकिन पेपरा रूल्स है फिर प्री क्वालिफिकेशन है फिर टेंडिंग प्रोसेस है ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह वो रातों रात वो ताली बजा के वो नहीं करना चाहते कि आज उसी आशियाना स्कीम के अंदर वो अरेस्ट हुए और वहाँ पेशियाँ भुगत रहे हैं पहला काम जो हमने किया हुकूमती सतह के वो कंट्री वाइड और ख़ास तौर पर पंजाब पे हमारा फोकस था कि यहाँ एक लैंड बैंक हमने जो है वो बनाया उस लैंड बैंक में तकरीबन 2 लाख कनाल लैंड जो है वो हमें मुख्तलिफ अर्बन हब्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुई उस लैंड क्लब में अब हम उसकी आगे फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि कौन कौन से ज़मीन के पीसेस जो हैं वो इस हाउसिंग के लिए फिजिबल हैं और उसका लेआउट प्लान और बाकी स्टडी वो जारी है बड़ी तेज़ी के साथ और पहले मरहले में हम यहाँ पर पंजाब के अंदर लाहौर पंजाब के 3 शहरों में जिसमें एक ओकाड़ा है एक लोधरा और चिश्तियाँ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर हम 1,000 यूनिट जो है उसका आगाज़ हमने कर दिया है इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके लिए भी बड़ा काम हो रहा है फोर क्लोज लॉ जो थे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए थे उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है
और आम आदमी को कर्ज़े की सहूलत के लिए हमने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ पंजाब और अलमिज़ान बैंक, ये तीन बैंक रेडी हुए हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म कर्ज़ा जो है ना 15-20 साल का, वो हम उन्हें देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट सारी मुकम्मल हो गई है, गेटेड कम्युनिटी होगी, उसकी बाउंड्री वॉल्स वगैरह सारी मुकम्मल हो गई। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम इसको अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, चनियोट है, सियालकोट है, जेलम है, सरगोधा है, लैया है, बखर है, कायदाबाद। तो इन शहरों के अंदर भी लैंड आइडेंटिफाई हो गई, बड़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल जो है 2019 के आखिर तक 1.5 लाख यूनिट वो ऑन ग्राउंड उसके ऊपर तामीर जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारे सामने उसका फाइनेंशियल मॉडल ये था कि हम उसे वो प्लॉट अलॉट करेंगे और ये बैंक और ये जो आपके हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये वहाँ पर प्लज होगा और वो लमसम 2-3 किस्तों में पैसे दे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर को चले जाएंगे, घर बन जाएगा, उसके बाद वो इजी इंस्टॉलमेंट्स में विद इन 15 ईयर्स उस बैंक को या हाउस बिल्डिंग को वो कर्ज़ा उतारता रहेगा। ये हमारा फाइनेंशियल मॉडल था और है, लेकिन इट इज़ सरप्राइजिंग कि जो एप्लीकेशनें हमें आई हैं उसमें शायद 5% भी लोग ऐसे नहीं हैं कि जो लोन लेना चाहते हैं, लेकिन हम मॉडल इसी तरह का बना रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट के ऊपर इनसार ना करना पड़े। हमारी जो अपनी लैंड्स हैं, जो लैंड बैंक मैंने कहा, ये कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल हो और हम जब इसको अनाउंस करें तो जो लोग इन घरों में आएँ कुछ पेमेंट उनकी तरफ से मिल जाए और बाकी इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में वो पैसे आते चले जाएँ और वो हाउसिंग स्कीम जो है वो मुकम्मल हो जाए। देखिए, इस पर भी हमने एक अपनी सब कमेटी बनाई हुई है, वो इस पर वर्किंग कर रही है और मुख्तलिफ कच्ची आबादियों के लोगों के साथ मिल के वहाँ पर उन्हें ऑल्टरनेट जगह दे के या शिफ्ट कर दिया जाए या वहीं कोई टावर बना के उन्हें उस टावर में कर दिया जाए और बाकी जो लैंड है इसमें प्राइवेट डिवेल्पर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो किया है। पिछले दिनों इंडिया से गुप्ता साहब हैं, वो भी आए हुए थे, वो बड़े लीडिंग वहाँ के डिवेल्पर हैं और स्लम्स के अतबार से उनकी काफ़ी शोहरत है और बड़ा काम किया उन्होंने, तो उनके तजर्बात भी उन्होंने अपने सारे यहाँ पर हमसे शेयर किए हैं। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैंने जैसे प्राइवेट सेक्टर का जिक्र किया, इसी तरह हम स्मार्ट सिटीज़ और नए शहर बसाने के लिए पंजाब में कम से कम 3 बड़े नए शहर हम बनाने जा रहे हैं। एक लिल्ला के पास है, एक सुहावा है और एक ननकाना, उसकी स्टडीज़ हो रही हैं अभी। ये अर्बन यूनिट है हमारा, वो भी नेस्पाक में उनको टास्क दिया हुआ है, वो इसके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स अपनी सारी बना रहे हैं, डिटेल स्टडी जो है ना वो कर रही हैं। उसमें से जब फाइनल हो जाएगा तो एक एक करके हम इनमें से किसी एक के अंदर वो फौरन हम ये स्टार्ट करेंगे। फिर रूरल हाउसिंग, यहाँ अर्बन हब्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है और इतनी माइग्रेशन है कि लाहौर शहर जो आज से 10-15 साल पहले 40-50 लाख का था, और ये 1.5-1.5 करोड़ को टच कर रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं देहातों के अंदर जो होमलेस पीपल हैं, जो शहर को भागते हैं, उनको वहीं पे हम एडजस्ट करें और पंजाब के हर गांव में 50 घर हम बनाने का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक विलेज में हम ये 50 घर खड़े कर देंगे और इनकी कॉस्ट आएगी 4-5 लाख रुपए फी यूनिट, और वो होमलेस जो पीपल होंगे वहाँ के, ये उनको हम वहाँ पर देंगे कि जिनके पास छत नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है ना ये हमें बदलना होगा, लोगों को छत चाहिए, लोगों को बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरत है वो उसकी पूरी होनी चाहिए, वहाँ पीने का साफ पानी हो, वहाँ सीवरेज के लिए, लेटरिन के लिए वहाँ वो हो, उसको बिजली वहाँ पर मैसर हो। वो हम जो 50 घर बना रहे हैं उसमें सोलर ग्रिड लगा रहे हैं, सोलर सिस्टम आ रहा है और हर घर के अंदर जिस तरह हमारे देहातों के अंदर घर हैं 2 कमरे, 1 किचन और 1 बाथ 5 मरले के अंदर वो बना के, जो आम इस वक्त जो लिविंग है उससे वो मेरा ख्याल है 10 टाइम्स बेटर वो फील करेंगे कि ये हमें ज़्यादा अच्छी जगह जो है ना वो मिल गई है जिस घर में वो रह रहे थे। और इसी तरह उनके लिए वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल, छोटी सी मार्केट और उनके कैटल्स के लिए 1-2 कनाल की हम हवेली बनाएंगे, जो रात को अपने जानवर वहाँ बांधेंगे और अपने घर चले जाएंगे, सुबह वहाँ से जानवर ले के खेतों में जाएंगे या जो भी उन्होंने करना है। प्राइवेट सेक्टर जो हाउसिंग स्कीमों की अप्रूवल के सिलसिले में जिन्हें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, LDA और बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं
उनके बाईलाज को चेंज करने के बाद वन विंडो ऑपरेशन होगा, जिसमें विद इन 60 डेज किसी भी प्राइवेट डेवलपर को जो है उसकी स्कीम की अप्रूवल या सब डिवीजन की अप्रूवल मिल जाएगी। और वो हमारे साथ कमिट कर रहे हैं कि हम 20% अपने प्लॉटेड एरिए के हम जो है 3 और 5 मरला के अफोर्डेबल हाउसेज वहाँ पर बना कर देंगे, और उसकी प्राइस वगैरह भी है वो हमारे साथ मिल के एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो तय करेंगे। क्रॉस सब्सिडी का मॉडल भी उन्हें दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं एक डेवलपर जो 2 साल के अंदर अपनी लैंड अप्रूव करवाने के बाद स्कीम को अनाउंस करता है, अगर वो 60 डेज के अंदर अपने लेआउट प्लान की अप्रूवल के बाद स्कीम अनाउंस करता है और उसमें 20% घर वो मस्ट है, वो उसमें एक शर्त होगी कि ये सारी फैसिलिटी उस वक्त होगी कि जब वो 20% अपने यूनिट अफोर्डेबल यूनिट वहाँ पर बनाएगा, और जब वो 20% घर बनाएगा और उसकी मार्केटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत होगी, वो सारे घर बिक जाएंगे। वो एकदम एक साल के अंदर इस पोजीशन में आ जाएगा कि जो प्रॉफिट उसने 5 या 10 साल में कमाना था वो प्रॉफिट 1 साल में अपना कमा लेगा। पंजाब के बारे में तो इस तरह की बात नहीं है, कंसोलिडेटेड है सारी चीज़ें। हमारी फाटा की वेबसाइट पे आप चली जाएं, या टास्क फोर्स अब बनी है, हमारा आपस में बहुत ज़्यादा वर्किंग रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, बैठकर हम सारी चीज़ें तय कर रहे हैं। और ये आगाज़ में चूँकि अभी कोई चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन अब तो सब लोग हम ऑन बोर्ड हैं और किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन या कोई डिविजन वो नहीं है। पिछली हुकूमत जाते जाते 65 अरब रुपए के चेक दे गई मुख्तलिफ अदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो बाउंस हो गए। तो एक सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरा मसला जो है कि बैंक्स के अंदर अब तक इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, यानी वो 0.2% है शायद, जबकि दीगर मुल्कों के अंदर 5% 7% तमाम बैंक इस शोबे के अंदर रखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। तो ये भी एक अहम इशू था जिसे गवर्नमेंट ने टेकअप किया। यहाँ रवायती अंदाज से घर बना रहे हैं, अब वो रवायती जो है ब्रिक के ऊपर और सीमेंट और ये सरिये के ऊपर, इसमें जब इतनी बड़ी तादाद में शुरू हो गए हो जाएंगे घर अगर, तो ब्रिक की शॉर्टेज आ सकती है, और यहाँ आगे 2 महीने बरसात के जो है ना भट्टे मारे वो बंद हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई इनोवेशन आए, इसमें कोई जिद्दत हम लेके आए, कोई नया तरीका जो है जिसमें स्पीडी हो जाए काम, कि जो घर 6 महीने साल में बनना है मिस्त्री के जरिए और ईंट और सीमेंट के जरिए बजरी के जरिए, उसकी बजाय अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री इस तरह की आ जाए और वो लोग तैयार हैं इस तरह के, यहाँ पर वो हमें मॉडल हाउसेज बना के दे रहे हैं कि जिसमें स्लैब्स हैं और वो स्लैब्स लगा के आप वो घर, वो एनर्जी एफिशेंट भी हैं। अब सिर्फ उसका मसला है थोड़ी सी कॉस्ट का, कि कॉस्ट अगर वो हमारी रेंज के अंदर आ जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और फिर हम वो जो टारगेट है 25 लाख घरों वाला, वो टारगेट भी हम मीट कर लेंगे। कि अपोजिशन अगर कोई अच्छी कंस्ट्रक्टिव हमें चीज़ें देती है तो हम वेलकम करेंगे, आए हमारे साथ बैठें शेयर करें। मैं तो नहीं समझता, अपोजिशन भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो पार्लियामेंटेरियन है, तो ये डेमोक्रेसी तो अंदर जो आज की अपोजिशन है वो कल के रूलर होंगे, जो आल हुक्मरान जमात है वो कल अपोजिशन में बैठी होगी। हमने अपोजिशन काटी है पिछले 15-20 साल, अब हम अगर पावर में आ गए हैं तो वो अपोजिशन में बैठे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम कि वो अगर आते हैं हमें कोई अच्छी सजेशन देते हैं और इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रोल वो चाहते हैं तो हम वेलकम करेंगे उन्हें। अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त मुल्क में, और जो प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक कौम से वादा है कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोगों को रोज़गार दूंगा, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दूसरे लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो बजाय ये कि सरकारी नौकरियाँ ढूँढते फिरें, और अब ओवरऑल इकॉनमी के अंदर ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी तो रुकी हुई है, उन लोगों की छोटी छोटी कंपनियां बना के हम, जैसे मैंने ये पहले कहा कि हम देहातों के अंदर घर बना रहे हैं 50-50, उनको हम ये 50-50, 100-100 घर हम अलॉट करें कि वो अपने 2-3 लोग मिलें, अपनी कंपनी बनाएं और जाके वहां पर सर्व करें और वो काम करें, तो ये हमारा एक आइडिया है, और इसमें मेरा ख्याल है हज़ारों लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा।
میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے شہروں میں تو ایک ڈرامہ ہے نا جی, آپ پہلے کر دیں شور مچا دیں, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جس طرح آشیانہ کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے. بڑے شہروں میں شروع کرنے کے لیے لاہور کے اندر اس کے لیے آپ کو جو ٹرنک سروسز ہیں اس کی فراہمی, لینڈ کی فراہمی, ان کی اپروولز, ان کی باقی ساری چیزیں, کنسلٹنسی, یہ ساری چیزیں میں نے کہا کہ انڈر جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہیں, جو ایک مہینے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اناؤنس کریں فیصل آباد اور لاہور کو, یہ بڑے شہر ہیں, سیالکوٹ بڑا شہر ہے, تو ان کے لیے ہم پوری تیاری میں ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا, لیکن جن سائٹس پہ ہم نے کیا ہے ان سائٹس پہ ہمارے پاس لینڈ اویلیبل تھی. لیٹ ہم کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, اور امید ہے کہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھائے گا. ہماری حکومت کی جو بھی آپ کہیں کہ اب تک کوئی میجر کام نہیں کیا, لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی میگا کرپشن کا کیس وہ آپ کے سامنے نہیں, کسی وزیر کے اوپر آپ نہ انگلی رکھ سکتے ہیں, نہ پروونس میں نہ سینٹر میں. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی ہوگا. ہم جو چیز کریں گے وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ کسی گورنمنٹ میں یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس پروگرام کو ترک کرے یا اس کو چھوڑ دے ادھورا. جب یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوگی اور یہ ہم ڈلیور کریں گے تو پھر حکومت ہمارے اس ٹاسک کو مکمل کرے گی, اور ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے ان 5 سالوں کے اندر ہی ہم اس کو مکمل کریں. جتنی اس میں محنت اس سیکٹر کے اندر حکومت کر رہی ہے کسی اور سیکٹر میں نہیں کر رہی. ہاں, اس کی ویزیبلٹی ابھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آئندہ 2-3 ماہ کے بعد وہ ویزیبل بھی ہو جائیں گی چیزیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مایوسی ہے. ہم بڑے ہوپ فل ہیں, اور جو کچھ مشکل وقت تھا وہ ہم نے گزار لیا لینڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا اور باقی ساری چیزوں کا. میں zameen.com والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں بھی یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اور اس ایشو کو یہ فرسٹ ٹائم اگر کوئی وزیر اعظم یا گورنمنٹ اتنا سیریس اسے لے رہا ہے تو آپ کا بھی یہ فیلڈ ہے. اس فیلڈ میں آپ آگے آئیں, بڑھیں اور کنٹریبیوٹ کریں, جو آپ اپنے حصے کا کام ہے وہ کریں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم قوم کو مایوس نہ ہونے دیں اور پرائم منسٹر کے اس وعدے کو جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کریں.